पायट बाबा आश्रम में रहने वाले वादी श्री मनोज परिहार थाने आए और उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति राजीव गुप्ता ने उनको कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो उन्हें 15,000 में ऋषिकेश या देहरादून में एक कुटिया उपलब्ध करा सकता है, कुटिया उनको दिलवा सकता है। तो इस बात का झांसा देकर उसके द्वारा वादी मनोज परिहार, उनके दोस्त अन्य सहयोगी विवेकानंद गिरी और चेतन भाई पटेल, उनसे उसने पिछले माह 24,000 रुपये किसी कार्य के लिए ले लिए। उसके बाद उसके द्वारा दोबारा इनको फ़ोन करके कल कहा गया कि कुछ पैसे और चाहिए, उस पैसे को प्राप्त करने के बाद आपके लिए आपको उन कुटियाओं की रजिस्ट्री हम करा देंगे या जो भी आवास है उसकी रजिस्ट्री आपको करा देंगे। इस पर वादी मनोज परिहार और उनके सहयोगियों को शक हुआ कि भाई ये जो है आदमी धोखेबाज टाइप लग रहा है। तो उनके द्वारा जो पहले 24,000 की धनराशि इनको दी गई थी उसकी रसीदों को स्थानीय कुछ लोगों को दिखाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि ये रसीदें जो है फर्जी हैं। फर्जी होने का शक उनका पुष्टि होने पर वो थाना हाजा पर आए और उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से एक व्यक्ति है जो धोखेबाजी लग रहा है और उनके द्वारा ठगी करके उनको 24,000 रुपये लिए गए हैं और 9,500 की और मांग की जा रही है। हमारे द्वारा उनकी वादी मनोज परिहार की सूचना पर मुकदमा दर्ज करके एक प्लानिंग के तहत तो उस व्यक्ति को अभियुक्त को बुलाया गया और पैसों का लेन देन करते समय उसको पकड़कर उसको मंदिर न्यायालय समक्ष पेश किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है।